ए नबी आप अपनी बीवियों से बेटियों से मोमिना औरतों से कह दीजिए कि जब वो निकलें तो पर्दे में निकलें पर्दा ये औरत का ज़ेवर है हया औरत का ज़ेवर है शुएब शुब असलातलम या शुएब नामी नेक आदमी की बेटी का तस्करा करते हुए कुरान ने कहा फ़जात एहदा हुमा तमशी अल्सिया सुर कसुर नंबर अट्ठाईस आयत नंबर पच्चीस कि वो हया करते हुए आई आजकल देख लीजिए बेपर्दगी आम है हया ख़त्म हो गई पहले हम और आप बा थे अब हम और आप बे हो गए हैं पहले बा मतलब बाया थे अब बे बे मतलब बेहया होते जा रहे हैं और ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है माँ बाप के सामने हो रहा है माँ बाप खुद ही देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं फिर इसी तरह खुद ही शौर देखना चाहता है उसकी बीवी कैसी है तो ये सब तो हो ही रहा है अगर हम और आप देखेंगे नहीं गौर नहीं करेंगे अपनी बच्चियों को शुरू से नहीं रखेंगे तो आगे चल के नुकसान होगा अपनी बीवियों को नहीं रखेंगे तो आगे चल के नुकसान होगा पहले की औरतें कैसी थी वो कैसे रहती थी आप गौर करें मुस्न्द अहमद की रवायत है जील नंबर छः सफा नंबर दो सौ दो हदीस नंबर टू फाइव सिक्स सिक्स जीरो पच्चीस हजार छ सौ साठ आयशा रजील् तैनाह कहती हैं कि जब उमर बिन खत्ताब रजील उनके घर में दफन हो गए तो उनकी हालत कैसी थी यानी वो जब अपने घर में जाती थी क्योंकि तो वहां अब तीन कब्रें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की और उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तआला तैन की तो खुद कहती हैं फ़वल मा दखल तो अल्ला व अना मशदूदा मशदूदाई सयाबी हया मिन उमर अल्लाह की कसम मैं जब भी घर में दाखिल होती तो पूरे कपड़े में दाखिल होती उमर से हया करते हुए अब गौर करें उमर रजी अल्लाह तआला तैन तो दुनिया से गुजर गए वहां मतफून है वो तो उसके बावजूद भी वो पूरे कपड़े में दाखिल होती है अल्लाह अकबर कैसा पर्दा था किस तरीके से हया थी आजकल तो जिंदे से लोग क्या करते हैं पर्दा नहीं कर रहे पहले पर्दा करते थे आजकल शर्म लगता है पर्दा करते हुए उल्टा हो गया माँ बहनों से गुजारिश है कि वो इन जैसे वाकयात को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में लाएं पर्दा जो है उनकी तरक्की में रुकावट नहीं है बल्कि बहुत सारी बहनों ने पर्दे में तरक्की की है आपको सुनकर तवजुब होगा 15 सितंबर 2019 को रांची के अंदर पाकुड़ से एक लड़की गई निषात फातिमा जिनको पहला गोल्ड मेडल मिलने वाला था तो जब वो रांची पहुंची जो झारखंड की राजधानी है वो पहला गोल्ड मेडल लेने के लिए गई है लेकिन वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है तो जैसे उसका नाम पुकारा गया निषात फातिमा तो स्कूल वालों ने देखा अरे ये तो हिजाब में भी है और नकाब में भी है तो उसने पहला इनाम नहीं दिया तो उस बहन ने भी अपना ना हिजाब उतारा ना निकाब उतारा बस बल्कि ये कहा आपका इनाम आप ही को मुबारक हो मेरा हिजाब मेरा निकाब ही मेरे लिए गोल्ड मेडल है और फिर वो ख़ाली हाथ रांची से वापस पाकुड़ 360 किलोमीटर दूर चली आई हमारी और आपकी बेटी होती तो तो ये सब घर की तरबियत है तब फ़ायदा होगा ये चंद बातें थी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों की खातन को सल्फ साल की औरतों की तरह नेक बना दामीन असलम आलैक्म वरहत लाही